नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन, दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों आज की क्लास में हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे प्रश्न हैं इसमें जो अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्लास है। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए, एक मुहावरा आपको दिया गया है, हृदय सम्राट, बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मनमौजी व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति, उदार हृदय वाला व्यक्ति, अत्यंत प्रिय, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड, बहुत अच्छे, सभी के आंसर गलत हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अत्यंत प्रिय, यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, हृदय सम्राट, इस मुहावरे का सही अर्थ होता है अत्यंत प्रिय, तो डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी लोग इसे याद रखिएगा, डी होगा। आपसे क्या पूछा गया था, हृदय सम्राट मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, इसका होता है अत्यंत प्रिय, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी लोग इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड दोस्तों, गुड, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, अत्यंत प्रिय, डी करेक्ट आंसर होता है इसका। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर दो के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, बताइए इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें, चार ऑप्शंस को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मैंने इन फूलों से एक माला बनाई, ये शुद्ध वाक्य है और यही आपसे पूछा गया था। जिसने भी क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इस बार आप सभी करेक्ट आंसर हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा, वेरी गुड दोस्तों, गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है, सभी लोग इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। ए नहीं होगा उसका, उसका डी करेक्ट आंसर होगा, अत्यंत प्रिय होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, यही आंसर राइट है। चलिए इसका आंसर करिएगा, क्वेश्चन नंबर तीन के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भैरव प्रसाद गुप्त, यस ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर होगा आपका, गुड, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं भैरव प्रसाद, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका, इसे आप लोग याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फोर के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए,
इसका आंसर करिएगा। कान का कच्चा मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए कान का कच्चा मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड आफ्टरनून, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शीघ्र विश्वासी। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, कान का कच्चा मुहावरे का सही अर्थ होता है शीघ्र विश्वासी, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, सी करेक्ट आंसर है इसका। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक मुहावरा आपको दिया गया है, बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आगे नाथ ना पीछे पगा। बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आंसर सभी लोग दीजिएगा। टारगेट, वेरी गुड। प्रहलाद, शिवांशु, अमित, रितेश, एंडी, इन लोगों के राइट आंसर है। वेरी गुड, गुड। मनीषा, नीतू, कोमल, सुभाष, अनुज, प्रीति, इन सभी करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने राइट आंसर दिया है, वेरी गुड दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। रोहित, चंद्रवान, गुड, आर, वेरी गुड, विजेंद्र, योगेश, विपिन, कोमल, सभी करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए करेक्ट आंसर होगा आपका इसका। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। विपिन, पूजा, वेरी गुड, आपके भी राइट आंसर है। गुड इवनिंग, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसमें से क्या पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? धारा, निशा, भूमि, वसुंधरा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निशा, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। निशा किसका पर्यायवाची शब्द होता है? रात का पर्यायवाची शब्द निशा होता है, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका। बाकी आप लोग याद रखिएगा, धारा, भूमि, वसुंधरा, ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, वेरी गुड, बहुत अच्छे, इस बार आप सभी के राइट आंसर है। गुड इवनिंग सभी को, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए बहिष्कार किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? शुद्ध पत्नी का चयन कीजिएगा। गुड इवनिंग सभी को, अभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए बहिष्कार किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इस प्रकार से सही लिखा जाएगा बहिष्कार, तो सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ये शुद्ध पत्नी है बहिष्कार की, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उसी समय का, इसे व्यक्त करने के लिए इनमें से कौन सा शब्द एक है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तत्सम, तुरंत, तत्कालीन, तत्काल, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए, राइट आ रहा हूँ, आप लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तत्कालीन, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, सी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। बताइए इसमें ये जो आपको स्पेस दिया गया है यहाँ पर क्या भरा जाएगा। अब देखिए वाक्य इस प्रकार है, भारत माता के साथ भारतीयों का, उसके बाद स्पेस है, होना चाहिए,
बताइए यहाँ पर क्या बना जाएगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मातृभाव होना चाहिए। तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, भारत माता के साथ भारतीयों का मातृभाव होना चाहिए। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा, अभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें से कौन सा एक शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें से कौन सा एक शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। सुबह शाम रात दिन, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर करिएगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दिन। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, दिन पुलिंग शब्द है तो डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, सुबह शाम रात ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर है, वेरी गुड दोस्तों, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, यह 2018 परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए, बताइए चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। गुड इवनिंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सी करेक्ट आंसर होगा आपका, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। आपको एक मुहावरा दिया गया है, पानी पी पी कर कोसना। बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हर घड़ी दूसरों का मंगल चाहना। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, सी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हनुमान चालीसा किसकी रचना है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है हनुमान चालीसा किसकी रचना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तुलसीदास की। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। लगभग सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। यस, इस बार आप सभी करेक्ट आंसर हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, हनुमान चालीसा तुलसीदास की रचना है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दो पंक्तियों के बीच। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दो पंक्तियों के बीच रचना पर प्राप्त हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए इसका आंसर करिएगा।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह जो स्पेस आपको दिया गया है, बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा, जब श्रमिक को उसका उचित उसके बाद स्पेस मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अधिकार। क्या आएगा यहाँ पर, अधिकार। अब पूरा वाक्य होगा, जब श्रमिक को उसका उचित अधिकार मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। तो डी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी ने करेक्ट आंसर भी दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर है, वेरी गुड दोस्तों, गुड। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर करिएगा, बहुत अच्छे, गुड। चलिए इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो स्पेस आपको दिया गया है, बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। मुझे इस कार्यक्रम का उसके बाद स्पेस है नहीं पहुंचा, बताइए यहाँ पर क्या आएगा। खबर, निमंत्रण पत्र, व्यवहार, जानकारी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2006 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निमंत्रण। बी करेक्ट आंसर होगा आपका, मुझे इस कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं पहुंचा। अब ये पूरा वाक्य हुआ और शुद्ध वाक्य हुआ, तो यही आपसे पूछा गया था, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़िएगा उसके बाद आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, देव। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, देव करेक्ट आंसर होगा। ये जो कृतियां हैं किसकी हैं, देव की हैं। डी करेक्ट आंसर होगा आपका, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। ये जो देव हैं, परीक्षा में पूछा जाता है, आपसे पूछ सकते हैं लेखक देव कहां संबंधित है उत्तर प्रदेश में, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, लेखक देव ये उत्तर प्रदेश के इटावा संबंधित है, इसे आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ये उत्तर प्रदेश में इटावा संबंधित है और इन्होंने भाव विलास रस विलास कृति को लिखा है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए। वाच कितने प्रकार के होते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाच कितने प्रकार के होते हैं, 3, 4, 1, 9, 10। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 3। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, वाच 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए जिसका जन्म अंडे से होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला एक शब्द है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चार नहीं होता है, 3 प्रकार के होते हैं वाच, 4 नहीं होते हैं। यस, 3 प्रकार के होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। कॉमल, वेरी गुड। चलिए अभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अंडज। सी करेक्ट आंसर होगा आपका, सी करेक्ट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। जिसका जन्म अंडे से होता है
उसे अंडज कहा जाता है, सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। रिंकू वेरी गुड, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विष्णु बहुत अच्छे, गुड। अमित वेरी गुड, चलिए अभी इसका आंसर करिएगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है जो संविधान के प्रतिकूल हो उसे क्या कहते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो संविधान के प्रतिकूल हो उसके लिए एक्सेप्ट क्या होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, असंवैधानिक, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। या तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, आप लोग इसे याद रखिएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसके बाद यहाँ से करिएगा। आपसे क्या पूछा गया था, जो संविधान के प्रतिकूल हो उसे क्या कहते हैं, असंवैधानिक, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, इसे आप लोग याद रखिएगा। गुड, बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये जो स्पेस आपको दिया गया है, बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो स्पेस आपको दिया गया है यहाँ पर क्या आएगा, वह उसके बाद स्पेस है, पूर्वक सबके सामने झुक गया, बताइए यहाँ पर क्या आएगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर क्या इसके लिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विनय, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। वह विनय पूर्वक सबके सामने झुक गया, तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका, इसे आप लोग याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये यूपीएसआई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो स्पेस आपको दिया गया है, बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा, किसी के सामने उसके बाद स्पेस है, मेरी आदत नहीं है, बताइए यहाँ पर क्या आएगा। ऑप्शंस आपको इस प्रकार दिए गए हैं, पत्थर की लकीर खींचना, अंगारों पर पैर रखना, नाकों चने चबाना, हाथ फैलाना, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, हाथ फैलाना, यस ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, किसी के सामने मेरी हाथ फैलाना आदत नहीं है, तो डी करेक्ट आंसर होगा इसका, यहाँ पर डी आएगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, वेरी गुड, बहुत अच्छे, इस बार आप सभी राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, जहां एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है वह अलंकार कौन सा होगा, वहां अलंकार कौन सा होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जहां एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है वहां अलंकार कौन सा होगा, तो वहां पर अलंकार अनुप्रास अलंकार होता है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, अनुप्रास अलंकार होता है। यहां पर वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3, 6, 4, 7, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 6, यस ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। वैसे आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉमल वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सभी लोग इसे याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं देखने में आपको सरल लगते हैं
और ये गलत भी बहुत ज्यादा होते हैं परीक्षा में, इसीलिए पहले पढ़ लीजिएगा ध्यान से क्वेश्चन को क्या आपसे पूछा गया गया है, उसके बाद आंसर करिएगा। 37 क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, हमारा टारगेट 37 में 37 का है, इस बार सभी का सिलेक्शन होगा, इसके लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। चलिए अब इसका आंसर करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, जो मासिक सम छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चौपाई। चौपाई करेक्ट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए करेक्ट आंसर होगा, चौपाई करेक्ट आंसर होगा इसका, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन है भीष्म पिता ने, पहले देखिएगा, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। अब आपको क्या इसमें बताना है, ध्यान से देखिएगा, ये जो शब्द है बताइए इसमें कौन सा समास होगा, आजीवन में आपसे पूछा गया है कौन सा समास है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। आपसे इस बात से कोई मतलब नहीं है, आपको आपसे पूछा गया ये जो आजीवन शब्द है इसमें कौन सा समास है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अव्ययी भाव, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसमें अव्ययी भाव समास है, ए करेक्ट आंसर होगा आपका। इसलिए जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर होगा, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा, मानसून किस भाषा का शब्द है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक शब्द आपको दिया गया है, बताइए ये किस भाषा का शब्द है, मानसून किस भाषा का शब्द है, स्पेनिश, अरबी, जापानी, चाइनीज, ये ऑप्शन है आपके, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए, बताइए मानसून किस भाषा का शब्द है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अरबी, यस ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, मानसून अरबी भाषा का शब्द होता है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, इसे आप लोग याद रखिएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं परीक्षा में। चलिए अब इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। करोड़ रस का स्थायी भाव क्या होगा, सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करोड़ रस का स्थायी भाव क्या होगा, सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए क्या होता है करोड़ रस का स्थायी भाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शोक, यस ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 28 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्णों के समुदायों को क्या कहते हैं, सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर या फिर क्रिया, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्णमाला, यस ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, वर्णमाला करेक्ट आंसर होगा, गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक मुहावरा आपको दिया गया है, ईद का चांद होना, बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। अब देखिए ऑप्शन इस प्रकार है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत ज्यादा विश्वास करना, दूर तक दिखाई देना या फिर सागर के उस पार, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बहुत दिन बाद दिखाई देना, यस ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ईद का चांद होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर होगा। गुड, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, इस बार आप सभी करेक्ट आंसर हैं। गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ होता है क्या होता है, ये आपको बताना है। जल जाना, आग तापना, कठिन कार्य करना, इनमें से कोई नहीं। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कठिन कार्य करना। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ होता है कठिन कार्य करना, तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें क्या आपको बताना है, इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए, बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन इस प्रकार है, वे विद्यार्थी कहाँ खेलता है, वे विद्यार्थी कहाँ खेल रहे हैं, वे विद्यार्थी कहाँ खेल रहा है, वह विद्यार्थी कहाँ खेलता रहे हैं, ये ऑप्शन है आपके, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपको शुद्ध वाक्य चुनना है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वे विद्यार्थी कहाँ खेल रहे हैं, ये शुद्ध वाक्य बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये जो स्पेस आपको दिया गया है, बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा जिसकी तुलना ना की जा सके या जिसकी तुलना ना हो सके, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर करिएगा। यस, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर अन्य किसी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अतुलनीय, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, जिसकी तुलना ना की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं, सी करेक्ट आंसर होगा। 33 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा। इसमें सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, अतुलनीय होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे, चलिए अगला क्वेश्चन इसका आंसर करिएगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइएगा यहाँ पर क्या भरा जाएगा, क्रोध उसके बाद होता है, बताइए यहाँ पर क्या आएगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्रोध उसके बाद स्पेस है, होता है बहरा गूंगा अंधा लंगड़ा, बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अंधा, क्रोध अंधा होता है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसने गुरु की दीक्षा ली हो उसे क्या कहते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विद्यार्थी, शिक्षार्थी, दीक्षित, देवज्ञ, ये ऑप्शन है आपके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दीक्षित, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, दीक्षित कहा जाता है उसे, तो सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसे 3 बार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपके भी एग्जाम में आया पूछा जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, वाक को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जब वाक खत्म होता है, समाप्त होता है, तो उसके बाद जिसका प्रयोग किया जाता है
जिस चिन्ह का उसे क्या कहा जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पूर्ण विराम बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, उसे पूर्ण विराम कहा जाता है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वेरी गुड दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिएगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सन्यासी का ब्लॉम शब्द क्या होता है, विपरीत अर्थ वाला आपको बताना है शब्द। सन्यासी का ब्लॉम शब्द क्या होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सन्यासी का ब्लॉम शब्द वाला बताइए कौन सा इसमें शब्द होगा। बहुत अच्छे, ब्लॉम शब्द बताना है, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा उसके बाद ही आंसर करिएगा। बी करेक्ट आंसर आपका नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गृहस्थ। यस ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, सन्यासी का ब्लॉम शब्द गृहस्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा, गृहस्थ होता है इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है, वेरी गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, सभी लोग इसका आंसर करिएगा, सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बंदर सभा किसकी रचना है, सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए बंदर सभा किसकी रचना है। सभी लोग इसका आंसर करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर होगा आपका, इसे आप लोग याद रखिएगा, बंदर सभा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर होगा आपका, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा, बहुत अच्छे दोस्तों। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मुखी खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए मुखी खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। कार में जुट जाना, पराजित होना, विजयी होना, प्रतिज्ञा पूर्ण करना, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है मुखी खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पराजित होना, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, मुखी खाना मुहावरे का सही अर्थ होता है पराजित होना, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। 39 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। आपको एक वाक्य दिया गया है, बताइए इस वाक्य में कहां पर गलती है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। अब देखिए वाक्य इस प्रकार है, मेरी सहेली लगातार रोई जा रही थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, मेरी रूमाल भी आंसू से भींग गया, या फिर कोई त्रुटि नहीं है, बताइए इसमें कहां पर गलती है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें कहां पर गलती है, इसके लिए आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सी करेक्ट आंसर होगा आपका, मेरी रूमाल भी भींग आंसू से भींग गया, ये गलत है। क्या होना चाहिए यहां पर, ये जो मेरी है ये गलत है, क्या होना चाहिए, मेरा रूमाल भी आंसू से भींग गया, अब सही है। तो यही गलती थी, यही आपको बतानी थी। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। पूरा वाक्य सही क्या होगा, मेरी सहेली लगातार रोई जा रही थी, उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, मेरा रूमाल भी आंसू से भींग गया, ये अब सही है। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका, सी करेक्ट आंसर होगा इसका,
मेरा रूमाल भी आंसू से भींग गया। ये सही है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा 41 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो स्पेस आपको दिया गया है, बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। यस, इसमें ये जो आंसू है इस प्रकार से लिखा जाएगा, उससे आपको नहीं मतलब है, आपको ये बताना था, वो गलत प्रिंट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये जो स्पेस आपको दिया गया है, बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, गांधी जी ने विश्व शांति में प्रेम और उसके बाद स्पेस है का मार्ग बताया, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अहिंसा। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और अहिंसा का मार्ग बताया, सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आंसर करिएगा। अंधे की लकड़ी, बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए, बताइए अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शंस को पढ़िएगा, उसके बाद आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एक मात सहारा। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, इससे आप लोग याद रखिएगा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ होता है एकमात्र सहारा, सी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, इस बार आप सभी के राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा, सभी के इस बार करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 43 के लिए आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, महाशया। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप मास्या होता है, सी करेक्ट आंसर होगा। 43 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा आपका। 44 के लिए आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कपटी मित्र के लिए कौन सा मुहावरा सही है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए कपटी मित्र के लिए निम्न में से कौन सा मुहावरा सही है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आस्तीन का सांप। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, आस्तीन का सांप, यह सही मुहावरा है कपटी मित्र के लिए, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका, इसे आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए मारुत का अर्थ क्या होता है, सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए मारुत का अर्थ क्या होता है, सभी आंसर करिए जल्दी से। देवता, वायु, पृथ्वी, तालाब, ये ऑप्शन है आपके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है मारुत का अर्थ क्या होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वायु, मारुत, हवा, वायु, एक ही बात है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। ये कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। मारुत का अर्थ होता है वायु, हवा, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, बताइए इसमें से कौन सा सूर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसमें सूर का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रवि, दिनकर, अंशमाली, यामिनी, ये ऑप्शन है आपके, सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
आपको बताना है इनमें से कौन सा सूर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यामिनी। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, यामिनी। ये रात का पर्यायवाची शब्द होता है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। बाकी आप लोग याद रखिएगा, रवि, दिनकर, अंशमाली, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं तीनों, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी दिया है, उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नहीं है, ये पूछा गया था आपसे। तो ये जो यामिनी है, ये रात का पर्यायवाची शब्द होता है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है, मुंशी प्रेमचंद, उसके बाद नन ऑफ दीज, भारतेंदु हरिश्चंद, धर्मवीर भारती। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, अंधेर नगरी के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर है इसका। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये जो स्पेस आपको दिया गया है, बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, छात्र कलम, उसके बाद स्पेस से लिखता है से मैं पर के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 48 के लिए, आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, से छात्र कलम से लिखता है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, छात्र कलम से लिखता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए 49 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आलोचना करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए आलोचना करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आलोचक, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। पहले सुनिएगा, आपसे क्या पूछा गया था, इस आपसे पूछा गया था आलोचना करने वाला, तो इसके लिए एक शब्द होता है आलोचक, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। देखिए एक दो क्वेश्चन आपसे परीक्षा में इजी ही पूछे जाते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन एक दो पूछे जाते हैं परीक्षा में, और एक दो क्वेश्चन बहुत कठिन पूछे जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आलोचक। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रवेश का ब्लॉम क्या होता है, सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए प्रवेश का ब्लॉम शब्द क्या होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निकास, या तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, प्रवेश का ब्लॉम निकास होता है, बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यस, UPSI की वैकेंसी भी आनी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है, वेरी गुड। अब इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उल्लू का तत्सम शब्द क्या होता है, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, उल्लू का तत्सम शब्द क्या होता है, इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए, बताइए उल्लू का तत्सम शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उलूक, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, उल्लू का तत्सम शब्द उलूक होता है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी दिया है, उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए, बताइए गबन के लेखक कौन है, सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गबन के लेखक आपको बताना है कौन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंशी प्रेमचंद, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, गबन मुंशी प्रेमचंद की लेखक है, इसके मुंशी प्रेमचंद की रचना है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है गोदान के लेखक कौन है, उसके भी मुंशी प्रेमचंद है, ये भी आप लोग याद रखिएगा।
अभी इसका आंसर करिए 53 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रवा भवना। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। ये सभी क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लेवल के क्वेश्चन है, इन्हीं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 54 के लिए आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बीजक के रचयिता कौन है, सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बीजक के रचयिता कौन है, इसका आंसर करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कबीर। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है कबीर दास, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए आकाश पाताल एक कर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आकाश पाताल एक कर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। कठिन परिश्रम करना, आलस करना, झूठ बोलना, सतर्क रहना, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कठिन परिश्रम करना। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, आकाश पाताल एक कर देना मुहावरे का सही अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए आकाशदीप के लेखक कौन है, सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए आकाशदीप के लेखक कौन है। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद, निराला, ये ऑप्शन है आपके, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जयशंकर प्रसाद। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका। अब देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए ममता के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा ममता आंसू कामायनी, इन सभी को जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ममता आंसू कामायनी, इन सभी को जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो मापा ना जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होता है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो मापा ना जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होता है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अपरमेय। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जो मापा ना जा सके इसके लिए एक शब्द होता है अपरमेय, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए सुरीला का ब्लॉम शब्द क्या होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए सुरीला का ब्लॉम शब्द क्या होता है, इसके लिए आपको आंसर देना है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बेसुरा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा, सुरीला का ब्लॉम शब्द बेसुरा होता है, डी करेक्ट आंसर होगा। 58 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए इसका आंसर करिएगा 59 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उपासना में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए उपासना में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उप। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, उपासना। तो इसमें उप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 60 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे क्या कहा जाता है, सभी लोग इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अगोचर। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे अगोचर कहते हैं। बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 61 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कुआई का मेढक, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कुएं का मेढक, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए, 61 के लिए आंसर करिएगा। टोटल 70 क्वेश्चन है, अभी आपके 9 क्वेश्चन और बचे हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सीमित ज्ञान वाला। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, कुएं का मेढक, मुहावरे का सही अर्थ होता है सीमित ज्ञान वाला। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अब इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 62 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है ये जो स्पेस आपको दिया गया है, बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा, बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। अब देखिए बाक इस प्रकार है, स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के, उसके बाद स्पेस है मैं प्रगति की। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा, पक्ष स्रोत क्षेत्र रूप, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्षेत्र। सी करेक्ट आंसर होगा, स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की, तो सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 63 के लिए आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला इसके लिए एक शब्द क्या होता है। 63 के लिए आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निस्वार्थी। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला इसके लिए एक शब्द होता है निस्वार्थी। बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 64 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 64 के लिए आंसर करिएगा, एक आंख न बहाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक आंख ना बहाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? जरा भी अच्छा ना लगना, एक आंख से देखना, बहुत अच्छा लगना, कहना होना, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 64 के लिए आंसर करिएगा, पहले ऑप्शंस को पढ़िए उसके बाद आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है, आपसे क्या पूछा गया इस मुहावरे का सही अर्थ, एक आंख ना बहाना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जरा भी अच्छा ना लगना, ये होता है सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द आपको बताना है पक्ष का, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर करिएगा, बताइए पक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? सपक्ष, विपक्ष, अपक्ष या सापेक्ष, ये ऑप्शन है आपके, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिएगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विपक्ष। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा, पक्ष का विलोम शब्द विपक्ष होता है, बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिएगा, 66 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। है जान, एक उसके बाद स्पेस है रोग है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संक्रामक। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, हैजा एक संक्रामक रोग है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, संक्रामक यहाँ पर आएगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 67 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था जब मैंने आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तब मैंने आपको यह क्वेश्चन बताया था। तो इस बार आप लोग राइट आंसर करिएगा। बताइए चक्रधर का अर्थ क्या होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक बार मैंने भी आपको बताया था, तो इस बार आप लोग राइट आंसर करिएगा। बताइए चक्रधर का अर्थ क्या होता है। सभी आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसने चक्र धारण किया हो। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चक्र धारण किया जिसने, उसको बोला जाता है चक्रधर। तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगली बार से याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यह ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 68 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। ये जो स्पेस आपको दिया गया है, बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। सफलता पाने के लिए कठोर, उसके बाद स्पेस है, करना पड़ता है। बताइए यहाँ पर क्या आएगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, श्रम। यह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सफलता पाने के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा। 69 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। स्तुति का विलोम क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, निंदा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। स्तुति का विलोम निंदा होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 69 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। टस से मसना होना। बताइए मुहावरे का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। टस से मसना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कुछ असर ना पड़ना। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। टस से मसना होना मुहावरे का सही अर्थ होता है, कुछ असर ना पड़ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 3 बजे आपकी क्लास होती है, हिंदी स्पेशल क्लास है। 37 में 37 का टारगेट है, तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास हमारी शाम को 8 बजे होगी, GKGS की क्लास होगी, सभी लोग उसे भी ज्वाइन कीजिए। अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे, और ये वाली डेली शाम को 3 बजे क्लास होती है। एक क्लास आपकी होती है सुबह 7 बजे। ये सभी क्लासेस स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए हैं। चलिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।